संघ रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन हुड़केश्वर स्थित मैदान पर किया गया। इस मेले का लुफ्त परिसर के नागरिक उठा रहे हैं। मेले में कई चीजों के स्टॉल देखने मिल रहे हैं, साथ ही फूड स्टॉल और मेले का विशेष आकर्षण है अम्यूजमेंट पार्क और कई तरह की झूले, आकाश झूला, साथ ही डोंकी सर्कस। हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने मेले में आए लोगों से संवाद साधा, तो क्या कहा है आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। महिला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर एवं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन हुड़केश्वर स्थित मैदान पर किया गया है। हम आए हैं अभी फिलहाल वहीं पर और हम जायजा लेंगे और जानेंगे कौन से यहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क के लिए बच्चों के लिए गेम रखे गए हैं, कौन से स्टॉल यहाँ पे लगाई गई है, चलिए आइए जानते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पहला स्टॉल है इसका और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जनरल जो लेडीज की जो ज्वेलरी की चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ लेडीज भी खरीदारी कर रही है। हम ये जो स्टॉल के धारक है उनसे हम जानेंगे कि आज जो ये फेयर में जो है उन्होंने स्टॉल लगाया है उसी के बारे में। मैम क्या बताओगे, आज जो आपने ये स्टॉल लगाया है, कब से यहाँ पे स्टॉल लगाया है, कैसा प्रतिसाद है ग्राहकों का? मुझे 10 दिन हो गए और प्रतिसाद बहुत अच्छा है और सेलिंग भी अच्छी हो रही है और पब्लिक भी आ रही है, तो दिवाली के हिसाब से लोग खरीदी कर रहे हैं और उस हिसाब से मैंने इसमें माल भी डाला है और अच्छा सेलिंग हो रहा है। माझ्या स्टॉलचं नाव आहे मा अनुसया क्रिएशन आणि माझा कुर्तीचा बिझनेस आहे आणि प्रसिद्धात वगैरे ठीक आहे, म्हणजे नाईजा बरोबर तरी पण ठीक आहे अपना। अभी हम आए हैं दिए की स्टॉल पे, जल्द ही कुछ ही दिनों में जो है दीपावली आने वाली है और यहाँ पे दियो का स्टॉल जो है हमें दिखाई दे रहा है और रंग बिरंग सजाए हुए दिए हमें दिखाई दे रहे हैं। हम जानेंगे उन्हीं से कि भैया क्या बताओगे, आपने दियो का स्टॉल लगाया है, कुछ ही दिनों पर दीपावली है, कैसा प्रतिसाद है और इतने अच्छे रंग बिरंगे दिए आपने सजाए है, क्या बताओगे? दिए तो अच्छे है, वैक्स वाले दिए टोटल। इस बार हम जो है तेल और बत्ती वाले दिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वैक्स वाले दिए भाई। इसको एक ऐसा है, एक बार अगर हम जलाएंगे इस दिए को तो जलाने के बाद में फिर से हम उसको अगले दिन यूज़ कर सकते हैं, एक बार एक दिन दो दिन तीन दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार कैसा है, टोटल पॉल्यूशन हमने बचाया है और टोटल पॉल्यूशन की तरफ हमने ध्यान दिया है इसमें, और टोटल इसमें मोमबत्ती का यूज़ किया गया है और चीनी माटी के दिए है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे देख सकते हो ये देखिए पत्ती वाला दिया है, उसके बाद में अलग अलग डिजाइन के और इस तरीके से हमने देखिए तैयार भी किया है इसको दिए को। यहाँ से देखिए स्टोन लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोन भी लगा हुआ है इसके अंदर में, ये देखिए सब नई नई वैरायटी है। और ये देखिए मटकी वाला दिया, ये देखिए ये मटकी वाला दिया है, इसको हम महिलाएं जब रंगोली उतारती है बस रंगोली के ऊपर में ऐसा जलाना है, जला के साइड में उनको रख देना है, तो काफ़ी महिलाओं को इस दिए के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है उन्हें वर्क करने में, ना कोई तेल लगाइए ना कोई बत्ती लगाइए, ओनली दिया उठाइए और उसको लगाइए। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने देखा कि स्टॉल धारक भी खुश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आए हुए कुछ कस्टमर है, ग्राहक है, उनसे हम जानेंगे कि आपने तो पूरा मेला अभी देख लिया है, बहुत दिनों के बाद आप घर से बाहर निकले होंगे घूमने, जिस तरह कोरोना के बाद जो है ऐसे मतलब फेयर का जो है आयोजन किया जा रहा है, क्या बताओगे कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक चेंज इन्वायरमेंट लग रहा है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक के जो कोरोना का माहौल था बच्चे और इवन बड़े भी जो है घर के अंदर ही मतलब एक सीमित दरिया हो गया था उनके जीवन का, और अभी यहाँ मैंने मेरे मिसेस के साथ पूरा मेला घुमा है तो एक बिफोर जो अपनी लाइफ थी पहले जैसे अपन जीवन बिताते थे उसका एहसास हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी वाकई में कोरोना का जो प्रादुर्भाव है उसमें अभी थोड़ी सी कमी दिख रही है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि चलो इस बहाने से अपने को एक मेले में आके अपना एंजॉय करने को मिल रहा है, और वाकई में एक चेंज ऑफ पार्ट जो बोलते हैं अपन ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके। और हमने अभी आज जो विजिट दी है, हमने आज का विजिट में सर्वे के बाद ऐसा डिसाइड किया है कि कल हॉलीडे संडे है तो बाकी जैसे बच्चे वगैरह को भी हम कल लाने की एक प्लानिंग किया हुआ है और अच्छा लगा है, थोड़ा सा चेंज लगा है। थैंक यू। अन्नपूर्णा पापड़ गृह उद्योग, हाँ मी प्रत्येक म्हणजे मेलात आणि ते एक्सपोमध्ये वगैरे लावतो, पापडचा सेल होते पण आता 2-3 दिवसात कमी होत आहे ना। हा मेला तर आम्ही पहिल्यांदा लावला आहे कोरोनानंतर,
आणि याचा म्हणजे सेल चांगला होत आहे. त्याआधी आम्ही पहिले लावायचं मेल्यामध्ये जी एक्सपो होतो लागतं तिथे लावतो, रेशमबाग वगैरे अशा पुष्कळ ठिकाणी आम्ही हा स्टॉल लावलेला आहे. कोरोनाचा हा कालावधी गेल्याच्या नंतर हे पुन्हा एक्झिबिशन चालू झाले. यामध्ये आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे आणि हे सतत चालू राहावं आणि तेही असून आता पब्लिक जशी जशी बाहेर निघत आहे तसं तसं आमचा रिस्पॉन्स पण वाढत आहे आणि त्यामुळे आता हे सतत चालू राहावं आणि चांगला सेल व्हावं सर्वांचा. मेल्यामध्ये आले हो या आणि आता इथे येऊन म्हणजे आता कोरोनामुळे सध्या बाहेर निघणं नाही झालं पण आता इथे आल्यानंतर खूप बरं वाटत आहे. माझा मुलगा देवांश याला फिरायला आणलं इथे मेळ्यामध्ये. एक मनोरंजन आपलं घरचं घरी बोर होते म्हणून मेळ्यामध्ये पाहायला आलं. आम्ही बऱ्याच दिवसांनी इथे आलोय, दरवर्षीला येतो आहे पण आम्हाला हे पाहून इतका आनंद होतोय की भयंकर. आमची फॅमिलीसह आम्ही आलेलो आहोत. थँक्यू. मेला तसं खूप छान आहे, बघण्यायोग्य आहे आणि याच्यातलं वातावरण बघून खूप सुंदर वाटतंय. कोरोना नंतर आम्ही पहिल्यांदाच मेळ्यामध्ये फिरायला आलोय आणि खूप आनंद होतोय. लहान मुलांना पण आनंद झाला की कोरोना नंतर कुठे यायला मिळालं आणि छान आहे, वातावरणही सुंदर आहे आणि मुलांना पण मस्त वाटतंय, बरं वाटतंय. थँक्यू. इथे आमच्या एरियामध्ये हा जो आनंद मेळावा जो ओपन झाला आहे तो खूपच चांगला, म्हणजे मग ते खूपच चांगला आहे लहान मुलांना वगैरे. हां, कारण की कोरोनामुळे नाही का लहान मुलं पूर्ण बंदिस्त झाले होते. हां, कुठे फिरणं नाही, काहीच नाही. आता मुलांना कसं ह्या या आनंद मेळाव्यामुळे नाही का त्यांना एक प्रकारचं त्याचं माइंड नाही का पूर्ण फ्रेश झाल्यासारखं वाटते. खेळणं इथे झुले वगैरे खूप मजा करत आहेत. बहुत अच्छा लगा मेला. इतना सोचे नहीं थे, बहुत चीज, बहुत शॉपिंग की मैंने. बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हमारा बच्चा अभी भी झूला ही झूल रहा है. सो 7-8-9 राइड्स है बच्चों के लिए. वाटर राइड भी है जो बहुत अच्छा है. बाकी स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं, सामान बहुत अच्छे हैं. हम लोगों ने एक दो आइटम भी ट्राई किए खाने के, वो भी टेस्टी है. थैंक यू. खूब चांगला मेला वाटला, नातवांना आणला, घरच्या लोकांना आणला, सगळा परिवारांना छान झुले चांगला आवडला. आमच्या बाजूलाच आहे ते, आम्ही इथंच राहतो, यशनो मातानगर ढग्याचा बंगला हुडकेश्वर पोलीस पिपळा. अच्छा है, एन्जॉय हो रहा है बच्चों का, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ठीक ठाक है सभी. छान आहे मेला. कोरोना होता त्यामुळे आले नाही मिळालं होतं, आता खूप छान वाटलं. एन्जॉय करने लायक ठीक है और कोरोना के बाद में ये अच्छा माहौल मतलब बन गया अभी तो ठीक है लग रहा है. मला मेळ्यातून खूप चांगला वाटतंय आणि मी खूप दिवसानंतर आलो आहे इथं मेळ्यात आणि माझे मित्रासोबतच आलो. खूप मस्त वाटत आहे, खूप मोठे मोठे झुले लागले आहे, मला खूप घुमायला खूप मजा येऊन राहिला इथं. आम्ही हुडकेश्वरमध्ये राहतो आणि हुडकेश्वर मेळा लागला आहे आणि आम्ही सगळ्या फॅमिलीला घेऊन आलो आहे आणि लहान मुलं झुले आहे पाळणा सगळं लागलं आहे इथं हुडकेश्वर उभे तर आमची विनंती सगळे नाही आलो लवकर लवकर. खूप छान वाटलं, मुलाला खूप दिवसानंतर घेऊन आलो होतं, मुलं खूप जिद्द करत होता मेळ्यात घेऊन जायचं आहे म्हणून याला घेऊन आलो. मग चांगलं वाटलं. या पे काफी दिनों के बाद करीबन दो ढाई सालों के बाद में मेला भरा हुआ है. काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी संस्कृति मेला संस्कृति है, इसलिए मेले में सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया सभी लोग मेले में आए और मेला संस्कृति जो कि भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है उसे बढ़ावे दे. क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कलाकार है, क्योंकि जो कलाकार है उनकी रोजी रोटी ही अपने वजह से आगे बढ़ सकते है. इसलिए सभी से निवेदन है कि प्लीज करके मेला घूमने आइए और सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करिए. बहुत दिन के बाद में मेले में आए, लॉकडाउन की वजह से ऐसा मेले में मतलब कहीं घूमना फिरना बाहर निकलना होता नहीं था और अभी इतने दिनों के बाद में आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहा है. सारे फैमिली ने अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे आना चाहिए और मेले का एंजॉय लुत्फ उठाना चाहिए. अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा टाइम पास होता है और अच्छा दिन निकल जाता है, पूरा शाम पूरी निकल जाती है. और बहुत दिन से सभी लोग कैसा घर घर में ही थे तो उसके वजह से कोई बाहर निकलता नहीं था. अभी बहुत दिनों बाद में कोरोना कम हुआ है, पब्लिक ज़्यादा निकली है, बाहर निकलना शुरू कर दी है, उनको कुछ नया चाहिए घूमने फिरने के लिए. तो एक मेला बहुत अच्छा ऑप्शन है और जगह बहुत प्यारी है, मार्गे नगर इधर साइड काफी अच्छा मेला भरा है तो लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे. तरी प्रिकॉशन घ्यायचंच आहे, मास्क लावणं आवश्यक आहे, आपली सेफ्टी आपल्या हातात ठेवून एन्जॉय करू शकतो आपण.
अगदी आम्ही कोविड नंतर सगळ्यांना ही ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली बाहेर यायची काहीतरी एन्जॉय करायची. मुलं पुष्कळ दिवस घरी होते कुठे जाऊ शकले नाही तर हा खूप छान आहे. इथे आम्ही ज्या पद्धतीने आलो बाहेर ज्या पद्धतीने सेफ्टी घेतल्या गेली प्रिकॉशन आहे इथे आतमध्ये पण डिस्टन्स तसं मेंटेन होते आहे. हे मेला बहुत दिन से लगा है आणि करीबन अभी डेढ़ महीने का मेला लगा है तो अभी इसको चालू होने के लिए 10-12 दिन हो गए है. तो हम अभी यही कोरोना के वजह से लॉकडाउन में नहीं हो पाया तो अभी पब्लिक आने लगी है और रश हो रहा है मेले का. बहनों और भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंकी सर्कस आप अपने बच्चों को पूरे परिवार को दिखलाइए. ये हीरालाल आपके जीवन के बारे में आपके सच्चाई के बारे में एक डोंकी सर्कस बतलाता है कि एक जानवर को आप कहते हैं गधे को कहते हैं कि गधा है लेकिन गधा है, आज की जमाने में नहीं है. एक पढ़ाई के ऊपर में उस जानवर को एक इंसान बनाया गया है. जिस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्च करते हैं आपके बच्चे पढ़ाई के ऊपर में ध्यान नहीं देते और ये प्रोग्राम बच्चों को खास करके दिखलाई है कि आपके बच्चों में कितना दिमाग कितना माइंड आ जाएगा. ये डोंकी सर्कस देख कर जाइए, ये आपके मन में क्या है सभी भावना को पहचान कर एक जानवर बतलाता है इसके बारे में पूरे परिवार को आप दिखलाइए एक बार. छान वाटला मेला लागला कोरोना समोर झाला होता लोकांना एन्जॉय करायला मिळत आहे. खूप मजा आला झुलून आम्हाला. आता इथे आता ना नवीन झुला लागलेला बोट राईडच्या तिथे गेले होते आता आम्ही. कोरोना संपल्यामुळे लोक एन्जॉय करतात चांगलं चांगलं वाटतं वातावरण नाही का. हमने अभी तक पूरा मेला घूमा है. हमने देखा कि विविध जो है यहाँ पे झूले लगाए गए हैं कई प्रकार के स्टॉल हमें दिखाई दिए. हमने सबसे बात की है यहाँ आने वाले ग्राहकों से भी बात की है. अब बारी है आयोजकों से और जानते हैं उन्हीं से कि ये मेला जो इतने बड़े मात्रा में जो है कोरोना के बाद आपने मेले का आयोजन किया है बड़े बड़े झूले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग भी यहाँ आ रहे हैं पूरा जो पालन भी यहाँ पे हमें सरकार के गाइडलाइंस का दिखाई दे रहा है मास्क हो डिस्टेंसिंग हो. क्या बताओगे मेले के आयोजन के बारे में. 1.5 साल के बाद सब लोगों को रोजगार मिल रहा है और बहुत से लोग अभी तो कोरोना की वजह से पूरे इसमें ही थे लेकिन अभी यहाँ से अभी सरकार की जो गाइडलाइन के हिसाब से इसमें हमने भी पूरा ये किया हुआ है. गेट के ऊपर पूरा मास्क सैनिटाइजर के बगैर आने नहीं देते हैं और यहाँ पर लोगों का रोजगार अच्छे से चल रहा है अभी. और क्या बताओगे जिस तरह से आयोजन किया गया है बड़ी बहुत बड़ा आयोजन ये किया गया है कुछ दिक्कतें आई है जिस तरह से हमने देखा कि 2 साल जो है 1.5 से 2 साल का वक्त जो है सभी का बहुत बुरा गुजरा है उस दौरान मतलब ये इतना बड़ा आयोजन करने में कुछ दिक्कतें आई है किस तरह से किया गया है क्या बताओ. नहीं अभी सरकार के गाइडलाइन के बाद तो अभी कोई दिक्कतें वगैरह नहीं आई है और यहाँ पर लगाने के लिए और लोग भी अच्छे से आ रहे हैं अभी 2 साल के बाद फ्री होके एकदम एंजॉय कर रहे हैं. हमने स्टॉल धारक है उनसे भी जाना कि उनको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का जो मेले में लोग आए हैं मेला देखने लोग आए हैं उनका भी हमने रिव्यू जाना है कि इतने सालों बाद जो है 2 सालों करीबन 1.5 से 2 साल के बाद लोग जो है ऐसा मेला जो है एंजॉय कर रहे हैं ऐसा लोगों का कहना है जो लोग मेला देखने आए हैं. जिसके बाद आयोजकों से भी हमने जाना कि इतना बड़ा जो मेले का आयोजन किया गया है कौन सी दिक्कतें उन्हें आई है उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई है. सरकार ने जिस कोरोना का असर कम होने के बाद जिस तरह से सब मार्केट ओपन किया है और उसी के दरमियान ये जो मेले का आयोजन किया गया है और बड़ी मात्रा में ये मेले का आयोजन किया गया है जो ग्राहक है जो लोग हैं मेले का लुत्फ उठा रहे हैं. कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज़ नागपुर.